काम क्या जी, क्या क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? भोगता है ये, भोगता क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? कुत्ते बेच रहे हैं जी। कुत्ते बेच रहे हो? ये देखिए, ये रिपब्लिक कुत्ता, ये बीपी क्या है, ये बीपी कुत्ता, ये सारे कुत्ते हैं, अलग अलग वैरायटी के, ये भोगते हैं। आपको कैसा चीज? ऐसा चीज जो बहुत भोंकता हो? वही ये लो रिपब्लिक, इतना भोंकता है, इतना, ये तो काटता भी नहीं, इसके दांत भी सुखवाती है। आप एक बार दोगे ना भोंकने के लिए, तो ये 6 दिन तक भोंकता रहेगा। आपको रोटी भी नहीं डालनी है, तो एक बार रोटी डाल दो, थोड़ी खाता आता नहीं है, इतना सा टुकड़ा डाल दो, वो भी खराब सा, फिर भोंकता रहता है। पूछ भी लाता है। अच्छा, बहुत अच्छा है, ये ले लो आप। तो ये अपनी मर्जी से तो अभी निकल जाएगा, फिर बोलिए। अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है? अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है, आप जो कहेंगे ना वही भोगता रहेगा। ये थकता नहीं है, इसकी यह खासियत है। अच्छा अच्छा, अरे गजब का कुत्ता है, इस नस्ल के तो बहुत कम कुत्ते बचे हैं, ये तो है ही ऐसा। इसके अलावा और कौन कौन सा कुत्ता है? ये जो कुत्ता है ना, ये छिनू, ये छिनू, ये बंदी गजब का, ये इसकी बराबरी तो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी कंपटीशन है। ये भी मतलब भोगता है, इतना भोगता है, ये झूठ भी बोलते हैं सारे। अच्छा, बहुत झूठे हैं जी, झूठ बोलते हैं। ऐसे तो नहीं है मेरा खेत बेच देंगे, मुझे बोलते रहेंगे खेत अभी भी है, खेत अभी भी है। देखो ये विश्वास है, इसकी गारंटी नहीं है, पर कुत्ते बेच रहे हैं, खेत नहीं, ये खेत बेचते तो बेचेंगे। अच्छा, खेत नहीं बता सकते इनके भरोसे, खेत नहीं छोड़ना, ये तो मैं पहले कह देता हूँ, ये तो बेच देंगे पीछे से, इन्होंने देश बेचने की तैयारी कर रखी है, आपका तो खेत है छोटा सा। इन कुत्तों को चुप करवाने आए हो क्या यहाँ पे आप? अच्छा, इन्हें चुप करा के जाएंगे, अपना हाथ लेके जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, कुत्ते डर जाएंगे सब? हाँ डरेंगे। अच्छा, जनता तक जरूर करें, सारा हिंदुस्तान का डरेंगे। आप इसके साथ कोई भी फ्री ले सकते हैं, इसके साथ एक के साथ एक फ्री लीजिए। लेकिन घर में ऐसे झूठे दो कुत्ते रख लिए, हाँ। उससे हमको तो नुकसान नहीं हो जाएगा जी? ये नुकसान नहीं करेंगे, ये तो खाली झूठ बोलते रहेंगे। अच्छा, झूठ से नुकसान हो जाएगा, मतलब जो भी ये बोले उसका उल्टा समझ रहे हैं। हाँ, ये करना, ये भोके ना तो आप सोच लीजिए कि चोर आया नहीं है। अच्छा, ये जब तू बोलता है तो समझ लीजिए कि चोर आ गया, ये चोर आएगा तो नहीं भोकेंगे। अच्छा, आपके खेत में अगर कोई पशु घुस गया तो नहीं भोकेंगे, ये तो अकेले ही शेर बने रहते हैं, सामने बिल्ली भी दिख गई ना तभी डर जाएंगे, डरपोक में। अच्छा।